कहावत है कि भ्रष्टाचार करने वाले लहरी भी अपनी जेब में भर लेते हैं। इस भ्रष्टाचार का दीमक अब प्रधानमंत्री आवास पर भी लगाया गया है। करण सिंह चंद्रवंशी द्वारा बताया गया है कि ग्राम करजू में सहायक सचिव एवं सरपंच के परिवार के लोगों के नाम दिए गए हैं, जिनके पास तकरीबन 50 बीघे से ऊपर ज़मीनें हैं, ट्रैक्टर है, घर में सारे साज सामान, उसके बाद भी उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास में लिस्ट में नाम है। जहां योजना गरीबों को मिलनी चाहिए थी, वहीं पर कुछ दबंगों के द्वारा शासन की योजनाओं का गलत उपयोग कर लाभ उठाया जा रहा है। कि इन लोगों को गांव में प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है, उन लोगों को एक बार फिर लिस्ट में नाम आ गया है। साथ ही चंद्रवंशी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे लोगों के नाम आ गए हैं जो लोग उनके पास नहीं है। जिला शाजापुर ग्राम करजू के सहायक मंत्री दीपक चंद्रवंशी पीरूलाल चंद्रवंशी ने स्वयं अपना नाम दिया। मंत्री पहले ही अच्छे घराने से हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जुड़ गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना खुलेआम फर्जीवाड़ा चल रहा है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि सरपंच मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरी तरह फर्जीवाड़ा चल रहा है। हाँ तो मांगेलाल जी, क्या समस्या है तुम्हारी? मेरी समस्या है साहब के, आप ये जमीन मेरी है जी, और मैं मेरी जमीन पे इसने फोकट का कब्जा कर रखा है। हाँ। और मेरे को मारने की धमकी दे रही है। हाँ। कि तेरे को मार देंगे, कूट देंगे, जान से मार देंगे। अच्छा। और दादागिरी करेगा तो सरपंच भी नहीं कहता है कि तेरे को जान से मरवा देंगे। अच्छा, तो तुम्हें मारने पिटने की धमकी कौन दे रहा है? ये देव सिंह। अच्छा, देवी सिंह। हाँ, उसका छोरा। हाँ, वो भी कहता है कि तेरे को मार देंगे हम। अच्छा, वो उनका पंचायत का ये कहना है कि ये तो देवी सिंह की जमीन थी। नहीं, देवी सिंह की नहीं है साहब, ये मेरे पास में पावती रखी है, मैं पावती पे आपको नंबर दे दिया हूँ, सभी है। अच्छा, ये जो रोड बना है ये आपकी जमीन में बनाया गया? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ये मेरी जमीन में बना है। अच्छा अच्छा, इसके लिए आपने आवेदन दिया? आवेदन नहीं दिया साहब, अभी मैंने कुछ भी। क्यों नहीं दिया साहब? मैं अकेला आदमी हूँ साहब, डरता हूँ मैं, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरे को बोलने वाला रहता साहब तो ये कब्जा कैसे कर लेता। ठीक ठीक है ना। हाँ ठीक, हम आपका आपकी सूचना बराबर अधिकारी तक पहुँचाएंगे और आपको न्याय मिलेगा। हाँ। है ना। हाँ सर। नीमू भाई, क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या था, मेरी कुटिया आई थी। हाँ। मेरी कुटिया बोल रहा है कि वो पक्की में है। हाँ। मेरे घर आए दीपक बाबू। हाँ। वो पैसे मांगा मेरे से। कितने पैसे मांगे? 1000 रुपये मांगे साहब। अच्छा। मैंने बोला कि साहब मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से ला के दूँ। हाँ। फिर मैं फिर गया उसके पास में। हाँ। तो उसने कहा तुम्हारा पक्का है, तुम्हारा नहीं होगा। हाँ। तो साथ में हमारे दोनों के आई थी दो, एक नई समाज के गई थी। हाँ। और एक मेरे को, एक दो का मेरा पक्का आया था, फिर साहब उसकी कैसे बन गई? अच्छा, मेरे को नहीं मालूम ये उसने पैसे दिए क्या नहीं दिए, मेरे से तो मांगा था साहब उसने। अच्छा, ये दीपक मंत्री जब आया और तुमसे ये बोला कि तुम्हारी पक्की है, फिर इसके बाद उसने क्या बोला, कहाँ भेजा? बड़ोदी भेजा साहब। किन के पास? अजय बाबू के पास। अच्छा, अजय बाबू जी के पास भेजा, फिर अजय बाबू ने क्या कहा? कि वो साहब आपकी पंचायत से हुआ कि जो भी पक्का कहते हैं, पूछा कि साहब मेरा पक्का कैसा हुआ था, तो वो आपकी पंचायत जाने। अच्छा अच्छा, पंचायत से जो कहीं है। अच्छा अच्छा, ये बोला उनकी पंचायत। ठीक है ना।